नमस्कार सभी दोस्तों को, बंगाल हेल्पिंग हैंड की तरफ से मैं शेख जुल्फिकार अली फाउंडर अम्फान के ज़रिए से जान मन का तो बहुत ही नुकसान हुआ है और उसके आगे तो हम लोग कोरोना से भी भुगत रहे हैं ऑलरेडी। अभी क्या है कि देखिए, जो अभी देश के ऊपर में जो एक अभी समस्या जो आई हुई है, इसे हम सबको गवर्नमेंट के साथ भी मिल के इसका सामना करना पड़ेगा। और अम्फान से जो भी नुकसान हुआ है, तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है वो रिसेंटली कलकत्ता आए थे, आके 1,000 करोड़ का पैकेज भी दिए हैं हमारे जो मुख्यमंत्री है श्रीमती ममता बनर्जी जी को। और आपको यही कहना चाहता हूँ कि आज हमें फ़ख्र है, मैं एक बंगाली मुस्लिम हूँ, तो हमारे देश में 29 स्टेट है, 29 स्टेट में 7 टेरिटरी है। तो ये जो भारत हमारा जो बना है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस से बना है। आप अगर भारत के अलग अलग कोने में जाएंगे तो आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिलेंगे। तो ये जो जातिवादी ये सब जो बहुत कुछ लोगों है जो इसे हवा देने की कोशिश करते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा, देखिए हम लोग इंसान हैं। और ये जो कोरोना आज सबको सिखाया है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है, आज एक मुसलमान भी एक हिंदू का काम आ रहा है, एक हिंदू भी मुसलमान का काम आ रहा है, एक क्रिश्चियन भी एक मुसलमान का काम आ रहा है। तो यहाँ पर हम सब भाई बहन एक हो के आज देश को किस इस जो मुश्किल की घड़ी है, देश को कैसे हम बचाएंगे, वही हम सब सोच रहे हैं। और मैं निवेदन करूँगा जो राजनीतिक दलों से भी कि आप एक संदेश दें तमाम आवाम को कि आज जो मुश्किल घड़ी से, चाहे वो अम्फान हो, चाहे वो कोरोना से हो, कह दे कि कोरोना वाला जो मसला है ये अभी ठीक नहीं हो सकता है, बिकॉज अभी इसका वैक्सीन ही बना नहीं है। तो जब तक, पहले इंटरव्यू में मैंने कहा था, जब तक वैक्सीन लॉन्च नहीं होगा देश में तब तक आप सुरक्षित नहीं हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको जिस तरह से गवर्नमेंट कह रहा है, खास करके मेरे जो मुस्लिम भाई बहन लोग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जहाँ रहते हैं, जो डिफरेंट वार्ड है, तो आप लोग कोशिश करिए। देखिए ऑलरेडी तो 60 दिन हम बिता चुके हैं, तो इस 60 दिन में बहुत सारे परेशानी हुई है। हम लोग नमाज़ भी अदा नहीं कर पा रहे हैं, ईद के टाइम में भी हमें घर में रहना पड़ रहा है। मुझे पता है ये तकलीफ़ सभी को हो रही है, मगर ये जो कोरोना वाला जो प्रॉब्लम है, इशू है, इसे जितना भी हो सके सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हम लोगों को चलना पड़ेगा। और गवर्नमेंट जिस तरह से कह रहा है उस नॉर्म्स को मान के हमें चलना पड़ेगा, ना ही कि हम अपना डिसीजन ले। प्लस मैंने पहले भी कहा था कि जो एरिया के जो काउंसिलर्स है, अभी जैसा कुछ काउंसिलर्स, मेरा इंटरव्यू के बाद में मैंने देखा कि कुछ काउंसिलर्स वार्ड नंबर 39 के, उनका मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, तो ही हैज़ कम फॉरवर्ड, मतलब उनका नाम मोहम्मद जसीमुद्दीन है। तो मैंने देखा कि आफ्टर मेरा इंटरव्यू होने के बाद में मैंने जो संदेश दिया था, उससे कुछ काउंसलर्स ने काम करना चालू किया। प्लस हमारे वार्ड के भी, जैसे कि इंद्रानी बनर्जी है 53 वार्ड के, हमारे जो माना चक्रवर्ती है, ठीक है ना, तो माना चक्रवर्ती, इंद्रानी बनर्जी, इन लोग भी देख रहे कि रास्ते में उतर गए। हमारे मेयर साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सबको मिल के आज हमारे बंगाल में 144 वार्ड है, मैंने पहले भी कहा, तो 144 वार्ड अगर हर एक काउंसिलर अपना अपना वार्ड का जिम्मेदारी को अगर सही से निभाए, तो मुझे लगता है कि हम इस मुश्किल घड़ी से निकल पाएंगे। तो इसके लिए सबको आपस में एक होकर चलना पड़ेगा। और जो भी हमारे एरिया के काउंसिलर है, सबको सब जितने भी एरिया के लोग हैं, उनको जाके समझाना पड़ेगा कि हमें किस तरह से निकलना है इस मुश्किल से।